अस्सलाम वालेकुम प्यारे सब खैरियत से आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज जनरल में वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की थी पीएचडी प्राइमरी स्कूल टीचर की, इसका ऑलरेडी हम लोग पार्ट वन अपलोड कर चुके हैं जो कि आज हुआ है फ्रेंड्स। आज ही मॉर्निंग में इसका पेपर कंडक्ट हुआ है फ्रेंड्स, 7 फरवरी 2021 को। पेपर ए है ये, एनटीएस की तरफ से हुआ था, आज ही पेपर हुआ है, 8 बजे इसका पेपर कंडक्ट हुआ है। तो इसी वीडियो में बाकी के पार्ट्स जो है इसको सॉल्व करते हैं। हम ऑलरेडी इंग्लिश का पार्ट कवर कर चुके थे फ्रेंड्स। परमिटेड, परमिटेड का लफ्ज है ये, बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ है जो कि वर्ब है। एथेटिक मीन्स एथेटिक किसी चीज की खूबसूरती को बयान करना, सेंस ऑफ ब्यूटी। चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट मीनिंग। फ्रेंडली दोस्ताना, उसका दुश्मनी, यस। हॉस्टल, कॉन्फर्मिटी, कॉन्फर्मिटी मुशाबिकत, दैट इज ऑपोजिट इंक्लूडिंग। ब्रैंडिश, ब्रैंडिश कंसील, कंसील छुपाना। डेसेंसी पोलाइटली, यहाँ पे रूडनेस, यस रूडनेस जो है आंसर होगा। जेनरस, जेनरस, जेनरस यहाँ पे मिस ली आएगा, दुश्मनी। फिर मैथमेटिक्स के जो है एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0000316 इज, बेसिकली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.1 मल्टीप्लाई और 10 की पावर में हमारे पास जितने जीरो रिवर्स में होते हैं, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे हमारे पास -6 आएगा, -6। अब यहाँ पे -6 जिधर भी है वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा आई थिंक। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ठीक से नज़र नहीं आ रहा कि -6 किस में है, लेकिन आप इसको देखें क्योंकि -6 वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अच्छा, 1/x एल्स, ये क्वेश्चन है जो कि बनती है, इसका जो है राइट फॉर्म बनता है वो ये सी, इसमें जो है राइट आंसर हमारे पास सी है, बाय एक्स प्लस सी। डेरिवेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट नंबर इज ऑलवेज जीरो, फ्रेंड ये आप याद रखें, यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारे पास जीरो है। ओके, आगे चलते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज, हमेशा इसका उल्टा, ये पॉजिटिव है तो इनवर्स उसका नेगेटिव होगा, ये याद रखें। अब ये -1/5 है तो इसका उल्टा, इसका जो है साइंस हमारे पास -1/5। ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज एन ओनली इफ, अब ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है और ए की वैल्यू हमारे पास वाई है, अगर ए को हम लोग इग्नोर करें तो हमारे पास एक्स जो है हमारे पास वाई की इक्वल है, तो राइट आंसर हमारे पास ए है, एक्स इक्वल टू वाई। ओके फ्रेंड्स, इफ कॉस एक्स इक्वल टू 3/5 एंड अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वार्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हमारे पास 4/5 होगी, यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारे पास ये है। इसको बगैर हल जो है करके मैंने जो है ये इसका 4/5 जो है राइट आंसर इसका। If alpha by 2 less than 0 less than x, I think x alpha है, then 0 lies in, जब इस तरह की इक्वेशन हो less than हो तो हमारे पास हमेशा इक्वेशन नंबर इक्वालिटी 2 में होता है, जबकि 4 में जो है ये अगर इसके लेस है तो अगला वाला अल्फा इसके ग्रेटर देन होना चाहिए, जो हमारे पास 4 में इक्वेशन होती है, लेकिन इसको भी आप फ्रेंड देख लें। द पॉइंट -5 द पॉइंट -5, 9 then lies in which quadrants, फ्रेंड ये पॉइंट की क्वाड्रेंट्स आप याद रखें। अगर हम लोग सपोज ये 1 क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास 2 क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास 3 क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ओके, हमारे पास 1 में हमारे हमेशा हमारे पास प्लस प्लस होगा, तो फ्रेंड याद रखें प्लस प्लस, इसके दोनों पॉइंट में प्लस प्लस होगा। 2 में हमारे पास एक प्लस होगा एक माइनस होगा,
और जबकि इसका उल्टा यहाँ पे होगा, एक दफ़ा प्लस होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, और थर्ड में हमारे पास माइनस माइनस होगी पॉइंट्स के। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर क्वाड्रेंट्स में प्लस माइनस। तो ये फ्रेंड्स के साइन याद रखें, लेकिन यहाँ पे देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये हमारे पास लाइज करता है बी में, टू क्वाड्रेंट्स में। अब फोर्स एफ आई पी माइनस टू आई, फ्रेंड्स को सॉल्व करके हमारे पास आया आंसर, हमारे पास 14 आता है। सिंपली जस्ट ये जो है फोर्स की इक्वेशन लिख दें, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दें, से हमारे पास आंसर हमारे पास 14 आएगा। इन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सी की बेसिकली वैल्यूज होती है यहाँ पे, और जो स्लोप बनाता है वो यहाँ पे एम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास एन है। ओके नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 44 एंड 4। इसका बेसिकली मीन प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है, तो इसको ऑलरेडी हल कर चुके हैं। इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आई थिंक ये वाला है, लेकिन फ्रेंड इसको आप फिर भी ज़रा कन्फर्म कर लें इसको। इससे हमारे पास जब अंडर रूट है तो हमारे पास अंडर रूट में से यहाँ से हमारे पास 8 आ जाएगा, जब 8 और माइनस, जब 8 बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस के साथ हमारे पास आयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 आयोटा की वैल्यू। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। सिंप्लीफाई 1/1 प्लस आयोटा विल बी गिवन, ये इक्वेशन है जो कि ये वाली इक्वेशन बनेगी, ए माइनस वन माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला है जो कि हमारे पास 4ab इक्वल है। लेट एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो बेसिकली इसकी वैल्यू हमारे पास, आंसर हमारे पास इसका ये वाला, उसको हल करने से हमारे पास आंसर ये डी आएगा। बेस ऑफ नेचुरल लॉग, बेसिकली लॉग का जो बेस होती है लॉग का, वो हमारे पास 10 होती है, लॉग की बेस 10 होती है, जबकि नेचुरल लॉग की बेस हमारे पास पी होती है, पी आई थिंक यहाँ पे ई है, ये ई जो है। 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है।